आज फिर शरण आईटी आपके बीच में आया सो है। कांग्रेस गवर्नमेंट कितना करप्शन कर रहे हैं और कैसा कर रहे बोल के बोले तो सीधा सीधा एक बिल्डिंग परमिशन के लिए 15 से 25,000 रुपए रिश्वत ले रहे। हम हमारा बिल्डिंग परमिशन के लिए सीएम सिद्धरामैया के पास जाना के सब आवाम सब पब्लिक उनका छोटा छोटा काम के लिए भी सीएम के पास मेल लिखना फोन करना करके काम करना है बोले तो सब कल से गुलबर्गा के लोग सीएम सिद्धरामैया को फोन करो, गूगल में उनका नंबर सर्च करो, ईमेल करो, तभी काम होता। नहीं बोले तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हमारा गुलबर्गा का है ना, उन्हों एक्शन ले। This video presented by Al Sharia College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharia Group of Institute. सभी गुलबर्गा के पब्लिक आवाम को शरण आईटी का नमस्कार और सलाम। आप सभी सोच रहे होंगे शरण आईटी क्यों 6 महीने से कौन सा भी इशू नहीं उठा रहे और मीडिया में नहीं आ रहे क्यों बोल के, उसके लिए मेरे पास आंसर है। क्या बोले तो 6 महीने पहले कर्नाटक में बीजेपी का सरकार था और अब कांग्रेस का सरकार है 6 महीने से कर्नाटक में। मैं 6 महीने से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट कैसा रूल कर रहे कर्नाटक में और क्या हो रहा और क्या नहीं बोल के। क्यों बोले तो बीजेपी गवर्नमेंट था तब मैं बहुत सारे एलिगेशन किया था और प्रॉपर एलिगेशन था मेरा। क्या बोले तो करप्शन कितना चल रहा कर्नाटक में गुलबर्गा में और कहाँ तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ था करप्शन में बोल के। आज फिर शरण आईटी आपके बीच में आया सो है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कितना करप्शन कर रहे और कैसा कर रहे बोल के। क्यों बोले तो एक गवर्नमेंट कौन से भी आन दे उसको टाइम लगता कि उन्होंने क्या कर रहे कैसे कर रहे उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता, उन्होंने कैसा अधिकार उनका मैनेजमेंट कर रहे बोल के। इसलिए मैं 6 महीने से इंतज़ार कर रहा था और ऑब्जर्वेशन कर रहा था। मैं सभी आज के दिन में सभी डिपार्टमेंट का मैं ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट भी बनाया हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या चल रहा बोल के। सो ये मेरे कहने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करके सुधार किया बोले तो ठीक है, नहीं तो मेरा हर वीक को एक एक वीडियो रहेगा कि हर डिपार्टमेंट का करप्शन कैसा हो रहा, कितना उन्होंने कमा रहे और किसको गवर्नमेंट को दे रहे नहीं दे रहे कैसे दे रहे बोल के, वो भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। आज का दिन का टॉपिक है कॉरपोरेशन कलबुर्गी महानगर पालिका में क्या करप्शन चल रहा बोल के। मैं लास्ट गए साल कॉरपोरेशन माजी कमिश्नर थे ना, उनको रंगे हाथ ACB रेड करा के पकड़ाया था करप्शन के मामले में। फिर थोड़े दिन वो रुका था, फिर आज चालू है। मैं सीधा सीधा एक ताज़ा उदाहरण है मेरे पास कैसा चालू है बोल के। बिल्डिंग परमिशन कॉरपोरेशन में बिल्डिंग परमिशन के लिए सब हम पब्लिक जाते, हमारा घर बांधना है हाँ नया घर बांधना रहे तो भी और नया एक्सटेंशन करने के लिए भी हम परमिशन लेना पड़ता कॉरपोरेशन में जाके परमिशन अप्लाई करके, परमिशन देने के बाद ही हम सिविल वर्क स्टार्ट करना पड़ता कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके लिए मेरे एक फ्रेंड का अप्लाई किए थे, कौन सा दिन को अप्लाई किए थे बोले तो उन्होंने 7 अक्टूबर को अप्लाई किए थे बिल्डिंग परमिशन के लिए। करने के बाद उनको नहीं बोले तो भी 26 दिन उन्होंने डेली ऑफिस को जाते थे, ऑफिसर बोलने वाले मेरा मैं मीटिंग में हूँ मेरे पास डिजिटल की नहीं है और सर्वर प्रॉब्लम बोल के बोले तो हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है कॉरपोरेशन कमिश्नर पे और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को। क्या बोले तो पैसे देने वाले को एक कानून रहता, पैसे नहीं देने वाले को एक कानून रहता क्या बोल के। क्यों बोले तो मेरे पास विथ प्रूफ है किनका किनका बिल्डिंग परमिशन अप्रूव कब हुआ, कब कौन कौन अप्लाई किया बोल के। 16-10 को एक जने अप्लाई किए और 20-10 को एक जने अप्लाई किए, उनका 27 अक्टूबर को अप्रूव होता। मेरा फ्रेंड कब बोले तो 7 अक्टूबर को अप्लाई करते उनका अप्रूव नहीं होता 27-28 दिन तक, बट 16-20 अक्टूबर अप्रूव अप्लाई किया सो उनका 8-10 दिन में अप्रूव होता। क्यों बोले तो सीधा सीधा एक बिल्डिंग परमिशन के लिए 15 से 25,000 रुपये रिश्वत ले रहे। कौन कौन ले रहे बोले तो जोनल कमिश्नर्स 1, 2, 3 उनका टीम है उनका गैंग है, वो लोग पूरा केस वर्कर पकड़ के कमिश्नर जोनल कमिश्नर बोल रहा हूँ मैं जोनल कमिश्नर तीनों कमिश्नर आते जोनल के 1, 2, 3 उन्होंने 15 से 25,000 रुपये ले रहे, ये लेके उन्होंने अप्रूव कर रहे। मेरे दोस्त को अप्रूव नहीं हुआ, उन्होंने क्या बहादुरी का काम किया बोले तो मेरे को आके मिले, मैं उनको
सजेशन भी मेरे को नॉलेज में क्या है वो सजेशन भी दिया उनको, उनका खुद का सजेशन पे भी उन्होंने सीएम कर्नाटक का सीएम सिद्धरामैया को ये ईमेल किए क्या बोले तो ऐसे में कॉरपोरेशन कमिश्नर कॉरपोरेशन ऑफिस में बिल्डिंग का परमिशन अप्लाई किया था मेरा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे रीज़न बता रहे सर्वर का डिजिटल की का और दूसरे का अप्रूव हुआ ऐसा है और पैसे मांग रहे हमें क्या करना आपके पास कंप्लेंट लिख रूँ बोल के। वो होने के बाद क्या होता परसों के दिन उन्होंने कब मेल किया बोले तो 31 अक्टूबर को सीएम को मेल किए, मेल करने के बाद परसों के दिन कॉरपोरेशन कमिश्नर है ना अभी प्रेजेंट उनको उधर से फ़ोन आता है, फ़ोन आके ऐसा क्या हुआ है बोल के तब हाँ काम क्यों नहीं हुआ क्यों पैसा मांग रहे क्या है बोल के डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगने के बाद वो कौन अप्लाई किया था ना बिल्डिंग परमिशन उनको बुला के काम करके देते कब कल काम के करके देते कल 3 तारीख उनका अप्लीकेशन अप्रूव होता। कैसा भाई हम हमारा बिल्डिंग परमिशन के लिए सीएम सिद्धरामैया के पास जाना कि सब आवाम सब पब्लिक उनका छोटा छोटा काम के लिए भी सीएम के पास मेल लिखना फ़ोन करना करके काम करना है बोले तो सब कल से गुलबर्गा के लोग सीएम सिद्धरामैया को फ़ोन करो गूगल में उनका नंबर सर्च करो और लैंडलाइन पे नंबर सर्च करो ईमेल करो तभी काम होता। नहीं बोले तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हमारा गुलबर्गा का है ना उन्होंने एक्शन लो आप सब डिपार्टमेंट का मीटिंग बुलाओ बुला के आप एक्सप्लेनेशन पूछो क्यों काम नहीं कर रहे क्यों बोल के छोटा मोटा मिस्टेक किए तो उनको इंक्वायरी कमिटी बिठाते हैं और कुछ उनको कानून का ये एक्सप्लेनेशन दे के हरासमेंट करते हैं। ऐसा आप रंगे हाथ का कमीशन लेने का चालू है करप्शन है बोले तो भी आप कमिटी नहीं बिठाते इंक्वायरी नहीं करते सिर्फ उन्होंने लेटर लिखे सीएम को बोले तो उनका इंडिविजुअल काम करके देते बोले तो सब लिखना क्या आपका पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है अकाउंटेबिलिटी नहीं है और पब्लिक का काम करने के लिए आप अपॉइंट हुए सब हैं एक हाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी कॉरपोरेशन कमिश्नर एसपी होन रंदे हो केस वर्कर रंदे हो सब पब्लिक काम करने के लिए पब्लिक का सर्वेंट है हम सबका टैक्स मनी से उनको पैसा सैलरी मिलता है उन्होंने हमारा काम करने के लिए रहना हमारा काम करना सिर्फ पैसे देशों का लोगों का काम करते आप और नए देशों को फिराते और ऊपर सीएम पास जाने के बाद काम करके देते बोले तो ये बहुत खंडनीय है और बीजेपी ये कर रहे बोल के हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है ना गुलबर्गा का बहुत सारे प्रेस मीट किए उनका नाम भी बताता हूँ श्री प्रियांक खरगे जी ने बहुत सारे एलिगेशन किए बीजेपी गवर्नमेंट से 40% का गवर्नमेंट है 40% है बोल के। मैं पूछना चाहता हूँ आज के दिन में कांग्रेस के गवर्नमेंट में काम करने के लिए सीएम के पास जाना पड़ेगा क्या आपके पास आना पड़ेगा क्या ऑफिसर्स काम करके देंगे क्यों बोले तो आपके पास अधिकार है सब लोग चुन के कांग्रेस अच्छा गवर्नमेंट करेगा बोल के आपको चुन के लाए सो है आप अकाउंटेबिलिटी रहो काम करके दिखाओ वो छोड़ के आप सिर्फ मीटिंग पे लिए मीटिंग लिए बोले तो कुछ होने वाला नहीं है इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो होना है नहीं बोले तो लोग का तकलीफ आप कैसे जाने। आप कभी भी बुलाओ मुझे शरण आईटी को मैं विथ रिकॉर्ड्स आऊँगा और कौन कंप्लेंट किए वो मेल भी दिखाऊँगा सब कुछ दिखाऊँगा नहीं बोले तो आप हाँ ये डिपार्टमेंट का कॉरपोरेशन कमिश्नर कॉरपोरेशन का मैं आप बता रहा हूँ 8 दिन में एक्शन नहीं हुआ बोले तो हम समझ लेते कि कॉरपोरेशन से कितना कलेक्शन हो रहा ना उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम से पकड़ के मिनिस्टर से पकड़ के एमएलए सबका शेयर है बोल के क्यों बोले तो दिन में एक दिन में 3 जोन में नहीं नहीं बोले तो 20 से 25 बिल्डिंग परमिशन डेली अप्रूवल होता है बोले तो एक फाइल को 15 से 25 हज़ार बोले तो आप ही काउंट करो नहीं नहीं बोले तो भी दिन में 9-10 लाख रुपए सिर्फ बिल्डिंग परमिशन का घूस मिल रहा है बोले तो महीने में 1.5 करोड़ हुआ ये सिर्फ एक सेक्शन है अभी बचे सो 15-20 सेक्शन है उससे कितना करप्शन आ रहा कांग्रेस गवर्नमेंट करप्शन रुकूंगा बोल के पावर में आके फिर करप्शन को सपोर्ट करते बोले तो ये नहीं सहन सकते हम नहीं सहेंगे हम लोगों को भी आप एक्शन लेते हैं बोले तो लीजिए हम गलत है बोले तो क्यों बोले तो हम सही बात कभी भी करते आए करते आते कौन भी रन दे किनका भी गवर्नमेंट रन दे आप 8 दिन में एक्शन नहीं लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ये मामले में बोले तो हम नेक्स्ट वीक में दूसरा डिपार्टमेंट का भी रेडी है टोटल बहुत सारे डिपार्टमेंट का लीगे क्या बोलते करप्शन हम ऑलरेडी फाइल रेडी किए हुए हमारा इन्फॉर्मर भी है हम एवरी वीक मीडिया पे आएंगे और बताएंगे और कांग्रेस को कंडेम करेंगे कि उन्होंने भी शामिल है करप्शन में और उनका भी शेयर मिल रहा बोल के धन्यवाद।
This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.